साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड। दुबई में 10 अपडेट मैं बताऊंगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट है सबकी सब, क्योंकि आप दुबई में रह रहे हैं या इंडिया से जो भी हैं, आपके काम की हो सकती है। इसमें कोई ना कोई अपडेट आपके ज़रूर काम का होगा। सब वीज़ा टिकट या फिर वहाँ के से पूरे सिस्टम के बारे में बताऊँगा। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कर लें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। तो भाई आज हम शुरुआत करते हैं दुबई वीएस रिलेटेड कोरोना अपडेट की बात कर लें। तो भाई कोरोना आपको पता ही, दुबई में स्थिति लगभग 28,000 केस पार कर चुका है। आज 23 मई तक की बात करें, उसमें से 241 अभी तक डेथ हुई है, उसमें से लगभग 14,000 के करीब रिकवर कर लिया गया है। कोरोना अपडेट यह है, लेकिन कोरोना को मार देते हुए यूएई पूरी तरह से चालू हो चुका है, लॉकडाउन हट चुका है, पूरा सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। आगे हम बात करते हैं भाई मुसलमान भाइयों की ईद मुबारक हो। एक बंदे का मैसेज आया था कि देख चांद दिख गया तो अच्छी बात है। आपको पता है साथियों, यूएई गवर्नमेंट की तरफ से आप सब बोला गया है कि ईद की नमाज सबको घरों में पढ़नी है, बाहर नहीं जाना, निकलना बिल्कुल भी नहीं, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं तोड़ना है, वरना भाई 5,000 दुबई दराम से लेके 50,000 दुबई दराम तक जुर्माना है। और इसको सख्ताई से लागू करने के लिए आपको पता है लगभग 67 चौकियां स्थापित की गई है। जी हां साथियों, पॉइंट बनाए गए हैं, वहां पर पुलिस की गाड़ियां गश्त करेगी, 500 पुलिस की गाड़ियां पूरी दुबई में घूमेगी। अगर पकड़े गए तो भाई यूएई की गवर्नमेंट ये देख लो 27 तारीख तक पूरे साल का जो जुर्माना वसूलेगी आपसे, उनकी जो कोरोना में जो नुकसान हुआ ना आप लोगों से वसूलना पड़ेगा। केस देने की जरूरत नहीं है, वो फाइन काट के दे देंगे आपको। जब भी इंडिया छोड़ना है, अपने कंट्री मुल्क छोड़ना है, तो पैसा चुकाना पड़ेगा, तो ये गलती ना करें। साथियों अब तक यूएई गवर्नमेंट की तरफ से 70 लाख फूड पैकेट, यानी वो 1 मिलियन वाला सिस्टम जो चला था, उसमें अब तक 70 लाख फूड पैकेट गरीब लोगों को बांटे जा चुके हैं, जो उनसे बहुत सारे लोगों को सहारा मिला है। बिन राशिद सलमान की तरफ से टैक्सी जो ड्राइवर हैं उनको 51 मिलियन, यानी 51 मिलियन आर्थिक फंड उनको दिया जाएगा। टैक्सी जो टैक्सी जिनके मालिक हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, टैक्सी ड्राइवरों को नहीं, जो मालिक हैं उनको इस लॉकडाउन में भारी हुए नुकसान को देखते हुए उनकी हेल्प की जाएगी। आगे साथियों मैसेज मैं उन दोनों लोगों को देना चाह रहा हूँ जो यूएई रेजिडेंसी है, यानी यूएई में रहते हैं रेजिडेंसी वीज़ा पे, जो किसी कारणवश दुबई से बाहर हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे कोई भी कंट्री हो, उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म एक भरना पड़ता है। मैं लिंक वीडियो के नीचे छोड़ दूंगा, आप जाके वहाँ से उसको क्लिक करोगे तो पूरा ब्राउजर खुल जाएगा, उसमें आप अपना पूरा फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिए, ताकि आपका वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाए इंडिया जाने के लिए, और पूरा प्रोसेस हो जाएगा जिसमें जुर्माना वगैरह सब माफ हो जाएगा और वो दोबारा रिन्यू हो जाएगा। तो ये आपके लिए बेनिफिट है जो रेजिडेंशियल वीज़ा पे हैं यूएई के लिए। आज साथियों एक अहम खबर निकल के आई कि यूएई की कुछ कंपनियां हैं, ठीक है, उन्होंने जो ईद के मौके पे मान लो, कैसे भी मान लीजिए, अपने जो वर्कर हैं उनको उनकी कंट्री छोड़ने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि भाई 12,000 लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया था उन कंपनियों में कि हमें हमारे इंडिया हमारे देश छोड़ा जाए। तो अपनी गवर्नमेंट ने, एयरलाइन ने, उनका ATGS ने उनका जो मांग है वो मानते हुए मंजूर कर लिया। तो कल की और परसों की डेट में 10 फ्लाइट स्पेशल फ्लाइट आएंगी, उनका किराया पूरा वहाँ की यूएई की कंपनियाँ वहन करेगी। जी हाँ साथियों, जो वर्कर इंडिया के वहाँ काम कर रहे थे 12,000 के करीब, उनमें से लगभग 4,000 वर्कर इंडिया पहुँच जाएंगे अभी एक दो दिन में, वो स्पेशल फ्लाइट होगी, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, खुद कंपनियां अपने स्पेशल चार्टर से उनको इंडिया छोड़ने के लिए आएंगी। तो बहुत अच्छी न्यूज है, और वो कंपनियों के भी बहुत धन्यवाद है भाई कि वो अपने वर्करों को इंडिया छोड़ने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। और उसमें से बता दूं ज्यादातर भाई उधर केरला की रो ही है, ये भी बता दूं मैं आपको। साथियों जैसे इंडिया में एक आरोग्य सेतु ऐप है, उसी तरह से यूएई गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है अल हसन। जी हां, इसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, ताकि ये कोरोना से रिलेटेड अपडेट बताएगा आपको, आपके लिए बहुत इमरजेंसी है ये, मान ले अपने मोबाइल में रखें तो आपको पता लगता रहेगा कि आपका बॉडी का टेम्परेचर पूरा बताएगा, प्लस जैसे इंडिया में बताता है ना आरोग्य सेतु ऐप, वैसे पड़ोस के खतरे को भी ये बता देगा। तो आप अपने मोबाइल में जरूर इसको इंस्टॉल कर लें, स्क्रीनशॉट में साथ में अटैच कर दूंगा। आज साथियों 23 मार्च लास्ट है, मिशन 2 खत्म हो चुका है, अब फ्लाइटों का आगे का शेड्यूल बनेगा। मिशन 2 था वो खत्म हो चुका है, हालांकि इसको आधिकारिक 13 जून तक आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। आज की डेट में बता दूं 152 यात्री, जी हां साथियों, यूएई दुबई से इंडिया पहुंचे हैं श्रीनगर, जो
अपने त्यौहार के मौके पर इंडिया पहुंच गए, उनके लिए खुशी है भाई। यूएई सरकार ने साथियों फिलिस्तान के लिए कुछ से कोरोना की वजह से कुछ आपको पता होगा आर्थिक सहायता काफ़ी सारी कंट्रियों को उन्होंने भेजी थी, इंडिया को भी भेजी थी। बदले में इंडिया तो चलो उनके बदले आदान प्रदान होता रहता है, बाकी जो गरीब कंट्रियाँ उनको अपनी तरफ से हेल्प भेजी थी फिलिस्तान के लिए, लेकिन फिलिस्तान ने यूएई की जो भेंट दी गई थी उसको ठुकरा दिया। ये बहुत बड़ी बात है साथियों, छोटी बात नहीं है। इसका रीज़न ये था कि जो यूएई ने जो यूएई का जो कार्गो प्लेन था वो इसराइल से होके गया और फिलिस्तान की इसराइल की बनती नहीं है, तो उन्होंने वो ठुकरा वापस कर दिया, बोले ले जाओ हमें नहीं चाहिए। तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से दी सहायता को एक दूसरे देश द्वारा ठुकरा के प्लेन वापस रिकवर करना, ये बहुत बैड न्यूज़ मैं मानता हूँ, ये अच्छी बात नहीं है दोनों देशों के बीच में। फिलिस्तानी बहुत सारे दुबई में रहते हैं, जॉब करते हैं। साथियों दुबई से रिलेटेड ये अपडेट थी आज के लिए, आगे जैसे मेरे पास नई अपडेट आती है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।